नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। नवरात्रि के त्योहार में माता की भक्ति के साथ जो सबसे ज्यादा लोग जिस चीज के लिए एक्साइटेड रहते हैं वो है रामलीला। बचपन से ही हर साल हम अपनी फैमिली के साथ रामलीला देखने जाते थे। वैसे कितनी अच्छी और पुरानी यादें होती थी ना। वैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि उनकी रामलीला बेस्ट से बेस्ट लगे। सो इन दैट केस, इफ यू आर सिचुएटेड इन दिल्ली NCR और प्लान कर रहे हो इस नवरात्रि टू विजिट रामलीला ग्राउंड, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप 10 ऐसी प्लेसेस जो आपको मस्ट विजिट करनी चाहिए। ना सिर्फ इतना बल्कि मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसे ग्राउंड्स जहां पर जाकर आप गरबा खेल सकते हो, और साथ ही आपको आज की इस वीडियो में दिखाऊंगी टॉप 10 दुर्गा पूजा पंडाल। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स चेक इट आउट। तो दोस्तों, वैसे तो दिल्ली में सबसे बड़ी रामलीला होती है रामलीला ग्राउंड अजमेरी गेट, और दूसरे नंबर पर आती है लाल किला की 3 बड़ी बड़ी रामलीला जिसमें कई बड़े फिल्म सितारे भी नजर आते हैं। लेकिन वहां पर मैं आपको सबसे लास्ट में लेकर चलूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ नोएडा स्टेडियम, जो है नोएडा सेक्टर 21 में। यहाँ आने के लिए आप 12:22 के लिए ऑटो ले सकते हैं, वो आपको डायरेक्ट स्टेडियम पर छोड़ देगा। वैसे आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं और नोएडा में रहते हैं, नोएडा गोल्फ कोर्स बोटानिकल गार्डन, तो ये आपके लिए सबसे नियरेस्ट जो रामलीला के लिए स्पॉट है वो हो सकता है। बेस्ट ऑप्शन भी आप इसको मान सकते हैं। वहीं यहाँ पर जो रामलीला का मंचन होता है वो भी बहुत शानदार होता है। अब नोएडा के बाद हम चलते हैं अशोक विहार फेज 2, जो पड़ता है बुराड़ी साइड में। तो अगर आप दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर एरिया यानी कि गाजीपुर और इन जगहों पर रहते हैं, जैसे लोनी, दिलशाद गार्डन, NSP, पीतमपुरा, शास्त्री नगर, तब आपके लिए ये लोकेशन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है। अशोक विहार फेज 2 की रामलीला को बहुत पुरानी रामलीलाओं में से गिना जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर इस साल तकरीबन 3-4 साल के गैप के बाद दोबारा से रामलीला की जा रही है। वहीं अगर आपने पूरे दिन का प्लान बना रखा है, यानी देखिए रामलीला का मंचन तो वैसे शाम 7 बजे के बाद शुरू होता है, लेकिन अगर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं और वो भी ईस्ट दिल्ली में अगर आप रहते हैं, तो NSP की रामलीला भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। देखिए, अशोक विहार से तकरीबन 20 मिनट की दूरी पर आपको NSP की रामलीला मिल जाएगी। यहाँ पर रामलीला देखने के साथ साथ आप पैसिफिक मॉल में भी घूम सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी फैमिली किड जोन में जाकर अपने बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं द्वारका सेक्टर 10 की रामलीला। यहाँ जाने के लिए या तो आप डायरेक्ट कैब बुक कर सकते हैं, वरना अगर आप थोड़ा सा अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं मेट्रो। बट मेट्रो में डायरेक्ट मेट्रो नहीं है, पहले आपको लेनी है पिंक लाइन, देन आपको राजौड़ी से चेंज करनी पड़ेगी ब्लू लाइन, और वो आपको डायरेक्ट द्वारका सेक्टर 10 जो है वहाँ छोड़ देगी। वहाँ उतर के आप ले सकते हैं ई रिक्शा, और ई रिक्शा आपको डायरेक्ट जो द्वारका सेक्टर 10 का रामलीला ग्राउंड की मेन एंट्रेंस है वहाँ पर आपको ड्रॉप कर देगा। सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पर सबसे बड़ा रावण का पुतला, यानी कि तकरीबन 15 फीट लंबा रावण का पुतला जो है वो लगाया जाने वाला है। और वहीं द्वारका सेक्टर 10 में ना सिर्फ रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर अगर आप डांडिया खेलना चाहते हैं, गरबा खेलना चाहते हैं, तब आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड जो है वो भी अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन हाँ, टाइम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि डांडिया जो है वो 11:30 बजे जो अम्बे माता की आरती होती है रात में, और उसके बाद ही शुरू होता है। अगला नाम आता है दी मैग्नन ओपस का, जो है मंडी हाउस भारतीय कला केंद्र में। जो भी लोग सेंट्रल दिल्ली रहते हैं और थोड़ा भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं, तो वो यहाँ की रामलीला में आकर अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं दिल्ली की टॉप रामलीला, यानी कि रामलीला मैदान जो है अजमेरी गेट में। देखिए, ये सबसे बड़ी रामलीला इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट रामलीलाओं में से इसका एक नाम जो है वो गिना जाता है। साथ ही दशहरे वाले दिन यहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं वो आते हैं और वो खुद रावण दहन करते हैं। वैसे आपको यहाँ पर जो भीड़ है वो भी लाखों की तादाद में मिल जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा शाम के समय आए थे तो उतनी भीड़ हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन इसके बाद अब हम चलते हैं नन अदर देन लाल किला की रामलीला। जी हाँ, अब इस रामलीला के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि एक लौती ऐसी रामलीला है जिसके बारे में हर कोई जानता है, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप भी यहाँ पर ज़रूर आए होंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लाल किला ग्राउंड में कुल मिलाकर 3 रामलीला का आयोजन किया जाता है, नवयुवक रामलीला, धार्मिक रामलीला और लवकुश रामलीला।
इन तीनों रामलीलाओं का टेलीकास्ट जो है डायरेक्ट टेलीकास्ट वो भी टेलीविजन पर आता है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये है कि इकलौती ये ऐसी रामलीला है जिसमें बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो हैं वो अहम भूमिका में नजर आते हैं। की बार भी काफ़ी जाने माने चेहरे जो हैं वो इन रोल्स को अदा करते हुए इन रोल्स को प्ले करते हुए नजर आएंगे। इकलौती एक ऐसी रामलीला है जहां पर लोगों की संख्या जो है वो लाखों में होती है, मतलब यहां पर आपको नॉर्मल एंट्री मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो इस रामलीला के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप बाय कार यानी कि खुद के व्हीकल से आने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि आप फंस जाएंगे बहुत गंदे ट्रैफिक में। इसलिए आप ले सकते हैं या तो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन, या आप उतर सकते हैं लाल किला मेट्रो स्टेशन और वहां से आप बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर इन रामलीला को देखने के लिए आ सकते हैं। अब रही एंट्रेंस की बात, तो अगर आपके पास VIP पासेस हैं तब आपकी एंट्री बहुत जल्दी हो जाएगी। स्टिल अगर आपके पास VIP पासेस नहीं हैं तो आप जनरल पीपल की लाइन में लग सकते हैं, लेकिन आपकी एंट्री कितनी देर बाद होगी उसकी श्योरिटी हम नहीं दे सकते। तो यस, ये मैंने आपको बताया रामलीला के बारे में। यहाँ पर कई सारे झूले हैं, इवन अब की बार तो मेरे को फिश एक्वेरियम्स और दूसरे जो प्लेइंग गेम्स होते हैं वो भी यहाँ पर नजर आए हैं। बहरहाल अब हम बात करते हैं दुर्गा पूजा पंडाल के बारे में। तो दोस्तों, अगर दिल्ली में होने वाले मैं टॉप 10 दुर्गा पूजा पंडाल्स की बात करूं तो सबसे पहले आता है CR पार्क दुर्गा पूजा पंडाल, फिर आता है मातृ मंदिर सफदरजंग एंक्लेव, देन मिंटो रोड राजीव चौक तिमारपुर एंड सिविल लाइंस जो IP कॉलेज के पास पड़ता है, फिर आता है मिलानी पूजा कमेटी मयूर विहार पर, देन उसके बाद काली बाड़ी दुर्गा पूजा पंडाल। जी हाँ, अगर आप दुर्गा माता के भक्त हैं और अगर आप हर साल दुर्गा पूजा पंडाल में माता के भव्य स्वरूप का दर्शन करने जाते हैं तब आप काली बाड़ी के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। दिल्ली में दुर्गा पूजा की जो शुरुआत है वो काली बाड़ी से ही शुरू हुई है, ऐसा माना जाता है। अगला आता है दुर्गोत्सव जो है ग्रेटर कैलाश 2 में, देन शिप्रा सन सिटी सबरिजिन दुर्गा पूजा मंडप, और सबसे आखिर में आता है आरंभ दुर्गा पूजा। तो ये वो टॉप 10 जगह और टॉप 10 ऐसे दुर्गा पूजा पंडाल हैं जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ जाकर माता के दर्शन कर सकते हैं। अब सबसे आखिर में बात आती है डांडिया की। देखिए, हमने रामलीला का आयोजन जो है वो देख लिया है, माता के दर्शन कर लिए हैं, अब चलिए थोड़ा सा गरबा और डांडिया खेल लिया जाए। तो ऐसे में अगर आप डांडिया खेलना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं पैसिफिक मॉल द्वारका में, डांडिया उत्सव एट द लीला कन्वेंशन होटल में, देन रिदमिक डांडिया 2024 एट द मैंशन होटल में, उसके बाद गरबा डीजल में आप जा सकते हैं, आप इनपरफेक्टो जो दिल्ली NCR में जितने भी इनपरफेक्टो मौजूद हैं वहाँ पर भी इस बारी डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। देन पारा कैफ़े है, अगर आप जानते होंगे तो दिल्ली में जहाँ जहाँ भी पारा कैफ़े के आउटलेट्स मौजूद हैं वहाँ पर आप डांडिया और गरबा खेल सकते हैं। देन आता है रिदम्स ऑफ दिवाली, और उसके बाद सबसे लास्ट में आती है गुजराती स्कूल सिविल लाइन्स। जी हाँ, गुजराती स्कूल नाम से ही पता चल रहा है, तो यहाँ पर जाकर भी आप डांडिया जो है वो खेल सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप दुर्गा पूजा पंडालों में जाना चाहते हैं और डांडिया खेलने की सोच रहे हैं तो वो अभी शुरुआत उसकी नहीं होती है, वो 9 अक्टूबर टू 13 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि जो हर साल छठी नवरात्रि का दिन जो पड़ता है तब से इन दोनों की शुरुआत जो है, इन दोनों का जो आरंभ है वो शुरू होता है। इसकी टिकट प्राइस जो है वो 600 ऑनवर्ड्स हो सकती है, डिपेंड ऑन दी लोकेशन कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। वहीं अगर टाइमिंग की बात करूँ तो दुर्गा पूजा पंडाल में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर 8 बजे के बाद जा सकते हैं, लेकिन अगर आप डांडिया वगैरह खेलने की सोच रहे हैं तो 11:30-12 यानी कि रात में, उससे पहले उसकी शुरुआत नहीं होती है। बहरहाल ये मैंने आपको आज की इस वीडियो में कई सारी चीज़ें बताई हैं, सो आई होप यू ऑल गाइज लाइक दिस वीडियो। आप इन सभी जगह में से कहाँ पर जाना चाहते हैं और अगर जा चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे अपने फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बहरहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद बोल्ड स्काई। टिल देन, गुड बाय।